डार्क सर्कल जिन लेडीज को या जिन जेंट्स में है वो जामुन का प्रयोग जरूर करें। 100 ग्राम लगभग जामुन प्रतिदिन आप खाएं जामुन के मौसम में, आप आश्चर्य करेंगे, आपका डार्क सर्कल जामुन खाते खाते ठीक हो जाएगा। देखिए एक कहावत है, आम के आम गुठली के दाम। आप जामुन खा करके उसके बीज को उसकी गुठली को कभी फेंकिए मत, उसको रखिए, छांव में सुखा लें और उसका पाउडर बना लें। घर में जिनको डायबिटीज़ है, जो मधुमेह से पीड़ित हैं, उसका तो वो प्रयोग करें। इसके अलावा जो जामुन खाने के जो लाभ हैं, सबसे पहली बात आपके लिवर की कोई समस्या नहीं रहेगी, दूसरी बात आपको स्किन डिजीज नहीं रहेगी, तीसरी बात आपका थायराइड कंट्रोल रहेगा। जामुन बहुत कशैली होती है, आप देखते होंगे जब आप जामुन खाते हैं तो मुंह में खिंचावट एक होती है, तो खिंचावट जो होती है तो जब हम उसको गले से नीचे लेके जाते हैं, पूरा रस हमारा थायराइड हमारी ग्रंथि को प्रभावित करता है और आपका थायराइड हाइपर हो या हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों प्रकार का आपका थायराइड केवल जामुन से कंट्रोल हो सकता है। दूसरा, आप जामुन को जैसे आप जामुन खाते हैं तो उसको एकदम जल्दी जल्दी मत खाइए, जिनको थायराइड है उसको धीरे धीरे करके खाएं ताकि धीरे धीरे रस आपके गले से होता हुआ आपके पेट में जाए। जितना लाभ आपको धीरे धीरे खाने से होगा वो जल्दी खाने से बिल्कुल नहीं होगा। तो थायराइड वाले जो हैं वो जामुन का प्रयोग करें, जिनको लीवर की समस्या है, फैटी लीवर हो गया है, वो जामुन का प्रयोग करें। जिनको अपनी स्किन पर ग्लो लेके आना है, क्योंकि ये लीवर को पूरी तरह से ठीक करने का काम जामुन करती है, तो वो भी जामुन का प्रयोग करें। जामुन जिस समय जिस मौसम में आती है, लगभग बारिश के मौसम में, आप 100 से 200 ग्राम जामुन नियमित खाएं महीने भर के लिए या डेढ़ महीने के लिए, जब तक जामुन का सीजन रहता है तब तक। इसके अलावा जिनको कब्ज रहती है, जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, जिनको गैस्ट्रिक रहती है, वो सब भी जामुन का प्रयोग करें, लेकिन उनका प्रयोग करने का तरीका थोड़ा सा दूसरा रहेगा। जब आप जामुन का फल खाएंगे, जिनको पेट से संबंधित समस्याएं हैं, वो हल्का सा उस पर सेंधा नमक छिड़क लेंगे, इससे आपका स्वाद भी बढ़ेगा और आपकी जो इंटेस्टाइनल जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी आंतें ड्राई हो जाते हैं, जिससे आपको कब्ज होगी, जिससे आपको गैस्ट्रिक रहेगी, जिससे आपको एसिडिटी रहेगी, वो सारी की सारी समस्याएं केवल सेंधा नमक डाल करके जामुन खाने से आपकी दूर हो जाएंगी। इसके साथ साथ आप जो है जो सूखा खाना है, रूखा खाना है, उसका प्रयोग बंद कर दें। जिनको पेट की समस्या है, खाने के बाद तुरंत पानी ना पिएं, बहुत ठंडा पानी ना पिएं, एक घंटे बाद ही आप पानी का प्रयोग करें और सुबह सुबह थोड़ा फलाहार जरूर लें और फलाहार में जामुन का प्रयोग जरूर करें। तो इस प्रकार से आप अपने पेट की समस्या को भी ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि डार्क सर्कल की आजकल बहुत समस्या है। डार्क सर्कल जिन लेडीज़ को या जिन जेंट्स में है वो जामुन का प्रयोग जरूर करें। 100 ग्राम लगभग जामुन प्रतिदिन आप खाएं जामुन के मौसम में, आप आश्चर्य करेंगे, आपका डार्क सर्कल जामुन खाते खाते ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको आंखों की समस्या हो गई है, आई साइट आपकी वीक होनी शुरू हो गई है, तो आप जामुन का प्रयोग करें। इसी प्रकार से उसका फल खाना है तो आपकी आई साइट जिन बच्चों की लगातार कम हो रही है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। और देखिए ये जामुन होती है बैंगनी रंग की, बहुत गहरा बैंगनी रंग, तो जो काले के रूप में हो जाता है, ये कुछ ही चीज़ों में पाया जाता है, जैसे जामुन है, काली गाजर है या चुकंदर है, तो चार पांच ऐसी चीज़ें हैं। अन्य सभी जो रंग होते हैं जो शरीर को चाहिए होते हैं, 7 जो रंग हैं, सफ़ेद है, काला है, पीला है, नीला है, वो किसी न किसी रूप से मिलते चले जाते हैं, लेकिन जो बैंगनी रंग है, जो जामुन का रंग है, वो शरीर को बहुत कम मिल पाता है। इसलिए काली गाजर कहीं मिले सर्दियों में तो ज़रूर खाएं, जामुन मिले तो ज़रूर खाएं और चुकंदर मिले तो ज़रूर खाएं। हमारे जो 7 रंग जो शरीर में रहते हैं उनका अगर बैलेंस रहेगा तो आपको कोई चर्म रोग नहीं होगा, आपको श्वेत कुष्ठ जैसा रोग नहीं होगा, क्योंकि श्वेत कुष्ठ अगर हो गया तो उसकी चिकित्सा संभव नहीं हो पाती है। तो इसलिए जामुन से आप उस श्वेत कुष्ठ से भी अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस प्रकार की ये दिव्य चीज़ है जामुन। और मैं बता रहा था जिनको डायबिटीज़ है, जिनको मधुमेह है,
वो क्या करेंगे, इसकी जो गुठली आपने सुखाई है उसी के अंदर आप लगभग 100 ग्राम गुड़मारो डाल देंगे और एक एक चम्मच सुबह दोपहर रात, जिनको ज़्यादा शुगर रहती है वो सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार इसका प्रयोग करें, या जिनको शुगर कम रहती है, मान लीजिए 300 से नीचे रहती है, तो आप सुबह और शाम 2 बार इसका प्रयोग करके अपनी डायबिटीज़ को जामुन से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।